जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो की शुरुआत, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, इसको राशि के हिसाब से मत देखिए। हाँ, राशि के हिसाब से कभी कभार कुछ मैचिंग तो हो जाती है, लेकिन आपको लग्न के हिसाब से देखने से बेटर कुछ मिलेगा। हमेशा की तरह ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो है। 15 जून 2023 टू 17 जुलाई 2023 एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन है। ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये प्लानिटरी पोजीशंस ट्रांजिट के हिसाब से कि इसी लग्न के ऊपर इंपैक्ट इफेक्ट क्या पड़ सकता है। वृषभ लग्न के हिसाब से आप यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा या ASC एक नंबर लिखा होगा, तब तो ये आपका लग्न है। इसी हिसाब से इसको देखें। इसमें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र और डेट वाइज प्रेडिक्शंस लग्न के हिसाब से ये कितना मैच करता है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर नहीं करता है तो इसको ओमिट कर दें, क्यों आपका 10-15-20 मिनट ले। 6:29 मतलब 6:29 PM शाम को दिल्ली का मैंने टाइम लिया और एग्जैक्टली इसी टाइमिंग में संक्रांति का संक्रमण होती है। सूर्यदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि को आ जाते हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि से आपका लग्न से आपका सेकंड हाउस को आ जाते हैं। सूर्यदेव सकाल शक्ति का आधार है और आपका लग्न छोड़ के वो सेकंड हाउस को आ जाती है, जो कि परिवार, बोली, वाणी, वेल्थ, पैसा, शोहरत, ये घर। और लग्न लड़ आपका शुक्रदेव है, वो अभी थर्ड हाउस में है आपका मंगल के साथ। मंगल यहाँ नीच का होती है और ये मंगलदेव आपका 7th हाउस और 12th हाउस का ओनर है। दाम्पत्य जीवन का कारक भी है, दाम्पत्य जीवन का कारक भी है यहाँ मंगलदेव और शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन होकर बैठा है। लग्न लड़ दाम्पत्य जीवन का लड़ थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। बात जो मोटिवेशन होती है, जो स्किल होती है कम्युनिकेट करने का, उसी में बिल्कुल हॉट टेम्परामेंट मत रखिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। चीजें सुलझने के बदले आपका दूरी होती जा रही है जाएगा। दिमाग को ठंडा रखे, गुस्सा टेम्परामेंट छोड़ दीजिए, मंगल यहीं पर है और ज्यादातर आपका फैमिली लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि 7th हाउस का ओनर मंगल यहाँ नीच का तो है, नीच का है लेकिन शुक्र के साथ है। शुक्र होती है रोमांटिकल प्लैनेट का कारकत्व, रोमांटिक टाइम पास करना, जैसे प्रेमी होती है, लवर्स होती है, जो वैलेंटाइन्स डे उसका कारकत्व होती है शुक्र, तो ये शुक्र को और एक्टिवेटेड कर देगा। मंगल वो फायर एलिमेंट का प्लानेट, आग से संबंधित प्लानेट, मतलब कुछ विचार नहीं आएगा कि ये करना ठीक है ये या ये करना ठीक नहीं है। ये सिचुएशन में ये जितने दिन से जो आए हैं ना, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन आपने देखा हुआ होगा, कई सारे पेपर्स आते हैं। दिल्ली में स्टाबिंग करके मारा किसी लड़की को किसी लड़के ने 40 बार, ये सब टाइमिंग ऐसा है, ये टाइमिंग ऐसा है। और आपका 7th हाउस का ओनर जाके बैठा है 3rd हाउस में, कम्युनिकेशन को पक्की तरीके से करे, निस्वार्थ पर से, और वो इंटेंशन कुछ बुरा भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम है इंटेंशन बुरा नहीं होना चाहिए। एंड कपल लाइफ तो बिल्कुल कम्युनिकेशन को, बात करने का ढंग को ठीक से रखें, नहीं ये ठीक टाइमिंग नहीं है। दोनों में अगर पल्ला किसी का भारी है तो पल्ला तो उसके साथ ही चलेगा ही रहेगा, लेकिन दोनों का पल्ला अगर बराबर है ना तो झगड़ा बहुत तक जा सकता। बिल्कुल ऐसा मत जाइए इस रास्ते में। सूर्यदेव आपका 4th हाउस का ओनर सेकंड में, लैंडेड प्रॉपर्टी कहीं अगर क्या कुछ था आपका ना, ये टाइमिंग में सुलझने का बहुत चांसेस है। डिस्प्यूट था, पैसा आ जाएगा डिस्प्यूट को क्लियर अप करने के लिए। खरीदने को था, पैसा का शॉर्टेज था, मिल जाएगा आपका बैंक लोन या कहीं से पैसा का इंतजाम हो जाएगा।
पैसा का इंतजाम हो जाएगा, कहीं ग्रेचुटी वगैरह क्या मैच्योरिटी होने को था ये भी दे देंगे सूर्यदेव यहीं पे। एंड सूर्य मंगल का नक्षत्र में बिलोंग्स करता है इसी महीने में, मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल आपका सेवेंथ का पैसा का एंड बारहवां घर का एक्सपेंडिचर का, मतलब पैसा आएगा तब तो एक्सपेंडिचर होगा ना। एंड सूरज भगवान अभी आपका सेकंड हाउस में है, फोर्थ का ओनर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जगह है आपका, एंड इसका ओनर आपका सेकंड हाउस में है। तो घर कहीं बनाने को था आपका बन जाएगा इसी टाइम में, रिनोवेशन करने का क्या कुछ था वो हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हाथ डालिए, टाइमिंग ठीक है। बाकी रहा नक्षत्र डिवीजन एंड आपका तारा चक्र क्या बिलोंग्स करता है एंड महादशा क्या चल रहा है, ये बड़ी पॉइंट है। एट हाउस का ओनर, इलेवेंथ हाउस का ओनर बृहस्पति आपका बारहवां घर में है। इलेवेंथ आय का कारक अभी एक्सपेंडिचर में है, राहु के साथ ग्रहण गुरुचंडल दोष बन के बैठा है। बारहवां घर, घर का बुजुर्गों के प्रति हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल, डॉक्टर कंसल्टेशन, इस सब मामले में पैसा का एक्सपेंडिचर होगा। बुजुर्गों होती है बृहस्पति जी, यहीं पर चंडाल दोष बन के खड़ा है। बारहवां घर पर इन जाने का अगर प्लान किया कुछ था या टाइमिंग में सही है, आप जा सकते हैं। बृहस्पति अभी लंबे टाइम के लिए यहाँ पर होंगे एंड अक्टूबर 30 के बाद चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे, राहुदेव आ जाएंगे आपका इलेवेंथ हाउस को, और बढ़िया पीरियड आ जाएगा आपके लिए, अबरोड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। अगर सब कुछ आपका सही रहा, पासपोर्ट वीजा वगैरह क्या कुछ हो जाएगा आपका, आप तैयारी करें, बहुत चांसेस है, चीजें सुलझ जाएगा अक्टूबर 30 के बाद ये गुरु चंडाल दोष। एंड आपका योग कारक प्लैनेट शनिदेव है अभी दशम स्थान में, एंड यहीं पर शनि बकरी होने जा रहे हैं 17 तारीख से। तो दसवां से नौ को शनि आपका योग कारक, ये आपको अभी बहुत फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी रहा काम के ऊपर एफर्ट ठीक से रखे, ध्यान रखे, सिंसियरली ओनली काम करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, शनि बहुत अच्छे में है। एंड शायद अगले साल ये ट्रांजिट के हिसाब से वृषभ लग्न बहुत अच्छा रहेगा, कई बड़े बड़े प्लैनेट्स आपका सपोर्टिंग फेवर में है। बेसिक आपका लग्न अलर्ट शुक्रदेव शट जर्निंग के लिए 40-40 डेज या 45 डेज के लिए ऐसे यहां से मूवमेंट होंगे, लेकिन बेसिक प्लैनेट आपका जो शनिदेव वो कंटिन्यू करेंगे अभी 2.5 साल तक, नौवां घर का दसवां घर का। एंड शनि मूल त्रिकोण में अभी है, नौकरी के लिए क्या कुछ था परेशानी सॉल्व हो जाएगा सर, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग आ जाएगा अगर दिया हुआ था कभी, क्या कुछ लटक के रहा था, बस ईश्वर है कुछ ना कुछ तो हमारे लिए ज्यादा चिंता करते हैं, हम भगवान के लिए हम बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, वो कैसे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहे हुए होंगे, हमारे पास समय नहीं, लेकिन भगवान बहुत ज्यादा सोचते हैं समझते हैं हमारे लिए। जय जगन्नाथ की। और केतु आपका सिक्स हाउस में है, केतु आपका सिक्स हाउस में, राहुदेव आपका 12 हाउस में। राहु केतु अल्टरनेटिव नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं, राहु केतु का एंड केतु राहु का नक्षत्र में। सिक्स हाउस होती है वही काम काज का जिंदगी जो होती है, हम जहां से पैसा कमाते हैं चलाते हैं परिवार, जॉब हमारा सिक्स हाउस, यहीं पर केतु है। इसमें थोड़ा क्या कुछ डिसकंटिन्यूटी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या कुछ नहीं आने वाला का टाइमिंग है। ये राहु केतु अक्टूबर 30 तक रहेंगे फिर ऐसे, उसके बाद 11th को आ जाएंगे राहुदेव आपका फिफ्थ हाउस को केतु, उस टाइम का वीडियो में मैं बता दूंगा। केतु पांचवें घर को आने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स, कई सारे दिक्कतें उस टाइम मिलेगा, लेकिन अभी के लिए वो टाइमिंग नहीं है। सो ये है छोटा मोटा प्रेडिक्शंस ट्रांजिट के हिसाब से, किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप भी नहीं है, बाकी के बाकी ठीक लगता है मुझे। 2024 बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़िया जाएगा। डेट वाइज प्रेडिक्शन, मेष साइन में चंद्रमा 15 तारीख को, बारहवां घर आपका बिल्कुल ठीक नहीं, आप तो जानते हैं इसी हिसाब से क्रॉस देता हूं। ऋषभ खुद का घर लग्न और बुद्ध के साथ बहुत बढ़िया जाएगा,
डबल टिक दिया तो 20 तारीख मिथुन साइन सेकंड हाउस सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, बावजूद इसके पैसा कहीं से आएगा, एक टिक देता हूं। 23 तारीक कर्क साइन थर्ड हाउस मंगल शुक्र के बीच में आ जाएंगे चंद्रमा। कम्युनिकेशन स्किल को ढंग से करें नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, क्रॉस देता हूं, टिक देता हूं। सिंह साइन 25 तारीख को फोर्थ हाउस यहां, और राहु का पांचवां दृष्टि शनि का सातवां दृष्टि फोर्थ हाउस, आपका सुख में कमी रहेगा उसी दिन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से क्रॉस देता हूं। कन्या साइन 28 तारीख फिफ्थ हाउस, और यहाँ कोई मालिफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली शुक्र का तीसरा दृष्टि है और कुछ नहीं है। फिफ्थ हाउस कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में मन लगाए हो जाएगा। 30 जून तुला साइन को सिक्स हाउस केतु के साथ फिर ग्रहण दोष, कहीं से क्रेडिट उधार मत लाइए उसी दिन, लाओगे तो चुकाने में बहुत परेशानी। 2 जुलाई को आते हैं वृश्चिक का, जो कि चंद्रमा का नेगेटिव भर है, नीच होती है यहाँ, नीच होती है यहाँ, और इसी घर में चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है। पति पत्नी अपना कपल लाइफ में बैलेंस ठीक से रखें, ठीक देता हूं। धनु साइन 4 जुलाई आठवां घर आपका, वो ठीक नहीं जाएगा बिल्कुल, मानसिक सोच में क्या कुछ रहेंगे आप। मकर साइन भाग्य भाव एक्सपेक्टेशन शुक्र मंगल का, और कोई मालिफिक का दृष्टि नहीं है, ठीक जाएगा, ठीक देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष 10th हाउस, जॉब प्रोफेशन में क्या कुछ दिक्कत है, कम से कम उसी दिन आप बॉस के पास मत जाइए, उसी दिन किसी को कुछ मत बोले, चंद्रमा जाने के बाद मीन साइन को उसके बाद करें, कुंभ में भी मत जाइए। मीन साइन 10 तारीख जुलाई आपका 11वां घर आया का स्रोत बृहस्पति का घर है, पैसा आएगा कहीं से, ठीक देता हूं। मेष साइन आपका फिर से गुरु चंडाल दोष बन के बैठा ही है, चंद्रमा आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर कुछ रहेगा घर में परिवार में बुजुर्गों के लिए, एक टीक एक क्रॉस देता हूं। ऋषभ साइन 15 जुलाई लग्न आपका, लग्न तो हमेशा श्री चंद्र कहलाते हैं, डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन आपका 17 जुलाई सूर्य के साथ सेकंड हाउस पैसा के लिहाज से ठीक रहेगा। ये छोटा सा चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से ये कैसे अप्रोप्रिएट होती है, बस कमेंट सेक्शन में लिखे, अगर नहीं होती है तो मना करें, इसको नहीं देंगे। छोटा सा वीडियो एक ट्रांजिट, शायद ये वीडियो में आपको पता चल रहा हुआ होगा, मैं बहुत स्पीड के बात कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह का वीडियो होना चाहिए इस तरह का वीडियो नहीं हो रहा है। कल से ये महीना शुरू हो जाता है, और जय जगन्नाथ, नमस्ते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। जय जगन्नाथ।